इस समय हम महाराज जनपद के गुगली क्षेत्र के ये एक पटखौली गांव है, यहाँ हम लोग मौजूद हैं और यहाँ एक गुडविल वाटर पार्क पर्यटक केंद्र के नाम से एक वाटर पार्क बनाया गया है। और महाराजगंज जनपद में एक तरह से जो युवा साथी है हमारे, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो जो दूर दूर जाते थे अब उनको महाराजगंज में वो सुविधा मिल सकेगी। गर्मी का मौसम है और आइए हमारे साथ इसके जो प्रोजेक्ट के जो मालिक हैं चाचा जी हमारे साथ हैं। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये व्यवस्था हमारे महाराजगंज में लाया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, कम से कम आप हमारे इस वाटर पार्क में आए और हमारे इंटरव्यू के लिए जो है आपने किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद जी। चाचा जी सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि महाराजगंज में ये सब। देखिए हम तो आर्मी से रिटायरमेंट हुए और रिटायरमेंट होने के बाद जो है नई चीज़ें हमें लाया फर्नीचर का जी। उसके बाद से यहाँ आया कि मतलब यहाँ वाटर पार्क नहीं है, घूमने फिरने के बच्चों का कोई सुविधाएँ नहीं है, यहाँ के लोग दूर दूर जाते हैं दूसरे ज़िलों में जो है जा करके जो है ये वाटर पार्क में जो है घूम करके आते हैं। हमने सोचा कि एक यहाँ ही लगा दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल करेगा और सब जा लोगों को रोजगार भी मिला करेगा जी। और इसका टाइमिंग की बात करें तो मतलब जो टाइमिंग है इसका टाइमिंग क्या होगा? ये सुबह 10 बजे से चालू होता है जी, शाम 5 बजे तक जी, और शाम 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे जो है कपल के लिए, कपल के लिए मतलब जिसे कोई प्रेमी जोड़े हों या चाहे ये कोई परिवार लेकर के आता हो तो परिवार लेकर के लोग आते हैं तो उसके लिए जो है। लेकिन ये 10 तारीख के बाद चालू होगा सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट तो अभी चल रहा है जी। इसके टिकट के बारे में बात करें तो टिकट क्या होगा यहाँ? टिकट जो है सुबह 10 बजे से लेकर कोई 5 बजे तक जो है 500 रुपये है। टिकट का जो प्राइस चार्ज होगा? हाँ, और जो 3 फीट के जो नीचे के बच्चे हैं वो तो फ्री हैं जी, 3 फीट से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका 400 रुपया है जी, प्लस जो एडल्ट हैं जैसे जो लोग हैं उनको जो है उनका जो है 500 रुपया जो है, और बाकी होलीडे के और छुट्टी के दिन जो है कोई कोई छुट्टी है कोई अवकाश है या संडे है तो उस दिन जो है 600 रुपया। अच्छा, तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं आप सभी को मैं कि आप किसी भी दिन आएंगे तो उस दिन आपका टिकट क्या है कि कम होगा, और हॉलीडे के दिन आएंगे तो उस दिन 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 600, जो 500 का टिकट है वो 600 देना पड़ेगा। और चाचा ये देखने में जो नज़ारा दिख रहा है मुझे, ये जो पोखरा तालाब दिख रहा है, हमें लग रहा है कि गोरखपुर का नौका विहार अब यहीं महाराजगंज में ही स्थापित करके मानेंगे। नहीं, नौका विहार तो गोरखपुर से बहुत उम्दा क्वालिटी का होगा, यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें जो है पानी की जो लगाई जा रही हैं जी, वो जो गोरखपुर में नहीं, पूर्वांचल में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है जी। हाँ, वो सब चीज़ें जो है यहाँ लगाई जा रही हैं। अभी काम बहुत ज़ोरों से जारी है अपना जीप लाइन का, जीप लाइन जो है उत्तर प्रदेश में मात्र 2 जगह है, वो भी 40-50 मीटर का है जी। हमारा जो जीप लाइन लग रहा है 182 मीटर का लग रहा है जी, तो वो जीप लाइन तो हमारा चालू हो जाएगा हमको लगता है 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर जी। बाकी भी और भी जो पानी की एक्टिविटी है ये 3-4 महीना के बाद कुछ चालू होगा, कुछ जो है 6 महीने लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, लेकिन 1-1.5 साल के बाद जो है ये नौका विहार में लोग जाना नहीं पसंद करेंगे गोरखपुर, ये महाराजगंज के नौका विहार में लोग आना पसंद जी। जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2 जीप लाइन बना है और तीसरा ये होगा जिसमें महाराजगंज का घुगली का जो गुडविल वाटर पार्क में वहाँ ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसा लोगों ने बताया है कि यहाँ बाहर से विदेश से टीम आ रही है जो ये वाटर पार्क का ये सेटअप वगैरह है, उसके लिए कन्फर्म बातचीत आपका शायद कन्फर्म हो गया? हाँ, कन्फर्म हो गया, वाई पार्टी आई थी उससे हमारी मतलब टाई अप हुआ है जी, और वो लोग आएंगे अगले, जैसे अभी ये सब ट्रैक्टर देख रहे हैं लगा हुआ है, ओकलैंड भी अभी कल या परसों आ जाएगा जी, तो सब ये जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद वो टीम आएगी, पानी इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें पानी पर चलने का, पानी पर साइकिल राइडिंग का, रोपवे पर साइकिल राइडिंग का, उसके बाद से डोली में रोपवे पर बैठ करके जाने आने का, ये सारी व्यवस्थाएं जो है उस समय सारा हो जाएगा जी। हाँ। हमारे युवाओं के लिए मतलब यहाँ कितना बेहतर व्यवस्था हो सके इसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए तो युवाओं के लिए तो सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे जो है युवा यहाँ से जो है बाहर जो है ना जाना पड़े, यहाँ महाराजगंज के ऐसा महाराजगंज में हो, और कम से कम ये हो कि महाराजगंज में ये सब चीज़ें हैं। महाराजगंज बहुत छोटा ज़िला है और बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है जी, जैसा तो कि मेरे को लगा कि भाई ऐसे ज़िलों में हम लोगों ने जन्म लिया, जैसा कि अभी तो नौका विहार में गोरखपुर के नौका विहार में क्रूज अभी लॉन्च किया गया है थोड़ा वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि आप यहाँ भी महाराजगंज में जो गुगली में बना, देखिए वहाँ भी आप क्रूज बना रहे हैं। हाँ, यहाँ जो बना रहे हैं हम एक
प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसका जी, और ये पार्टी हॉल है वो जी, और शिकारा है जैसे लोग मतलब शादी करके आते हैं हनीमून के लिए जो श्रीनगर वगैरह जाते हैं जी, तो उसके लिए जो है हम बना रहे हैं कि चूँकि हनीमून यहाँ मनाएं जी, और हमारे इस नौका विहार में मनाएं, उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा मिलेगा और हर साइड से जो है वो सेफ रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी और व्यवस्था जो है गोरखपुर से कई गुना बेहतर मिलेगा उनको, व्यवस्थाएं भी सुविधाएं भी और तरह तरह की, जैसे जो चीज़ गोरखपुर में भी लगा नहीं है जी, जो चीज़ यहाँ के लोग देखे नहीं है वो चीज़ जो है यहाँ हम डालने जा रहे हैं जी। तो जैसा कि आपने बताया कि एक तरह से छोटी मोटी अगर पार्टियाँ अगर करना चाहते हैं ना, जैसे बर्थडे वगैरह जो भी है वो उसमें कर सकते हैं लोग आराम से छोटी मोटी पार्टी, क्या 100-150 लोगों की पार्टी जो है हमारे फ्लोटिंग हॉल पर जो है आराम से करिए। आपको लगता है कि हम पश्चिम साइड में करना चाहते हैं पार्टी, तो पश्चिम साइड में जा करके वहाँ कर लीजिए, वो फ्लोटिंग हॉल कहीं भी चला जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। लगता है कि पूर्व साइड में हमको पार्टी करना चाहिए तो पूर्व साइड में सारा कुछ, उस पर जनरेटर वगैरह सारा फिट रहेगा, उस पर जो है पार्टी के लिए सब कुछ सुविधाएं रहेंगी, खाना बनाने के लिए जो है वहाँ उसका कुक रहेगा, सारा कुछ व्यवस्था रहेगी। 2 मंजिला होगा वो और 2 मंजिला में वो जो है अपना करके जो है पार्टी, तो बुकिंग होगा जैसे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के लिए इस तरह से बुकिंग की जाएगी, बाकी उसके लिए जो है सारा व्यवस्था हो रहा है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि महाराजगंज जनपद के घुघली क्षेत्र में जो पटखौली ग्राम सभा है, यहाँ इतना बेहतरीन व्यवस्था को चाचा जी के प्रयास से लॉन्च किया जा रहा है। इसका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और जैसा इन्होंने बताया कि गोरखपुर का जो नौका विहार हम लोग देखने जाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर सुविधा यहाँ आप सबको मिलेगा, लेकिन उसमें भी अभी काम चल रहा है। अब जो ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वाटर पार्क का जो सिस्टम ये सब चालू हो गया है, तो आप जो दूर जाते थे मतलब नेपाल कुशीनगर गोरखपुर जाते थे तो वो वाला मज़ा आप यहीं ले सकते हैं। और साथ ही एक बार हम बात कराना चाहेंगे कि हमारे युवा दिलों के धड़कन बड़े भैया धीरज तिवारी जी भी साथ में मौजूद हैं। तो भैया आप भी आज फैमिली के साथ आए थे, कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर ये जो हुगली के क्षेत्र में ग्राम सभा पटखौली में जी ये जो वाटर पार्क आदरणीय श्री गौरीशंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में और उनकी टीम के द्वारा ये बनाया गया जी, ये काबिले तारीफ है। जो कि महाराजगंज जैसे क्षेत्र में, जो कि मुझे लग रहा है कि महाराजगंज ही नहीं अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी शुक्रौली में एक वाटर पार्क बना हुआ है जिसकी चर्चा महाराजगंज जिले के तमाम अन्य स्थानों पर भी होती रहती है जी। तो यहाँ के लोग गोरखपुर का वाटर पार्क एक चंपा देवी वाटर पार्क हुआ करता था, तो वो जब से डिस्ट्रॉयड कर दिया गया उसके बाद फिर सभी लोग सुकरौली, कुछ लोग नेपाल, यानी कि देश छोड़ के भी नेपाल जाया करते थे जी। तो ये सुविधा यदि अपने ज़िले में दिला पाने में आदरणीय गौरीशंकर गुप्ता जी का प्रयास ये जो रहा है ये काबिले तारीफ है, और इसके आगे भी उनके कई सारे प्लान हैं जो हम लोगों को जानकारी है, तो वो अगर सफलतापूर्वक यहाँ संचालित होता है तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी जी। तो जैसा कि भैया ने बताया कि ये एक बहुत ही बेहतरीन चाचा के द्वारा प्रयास किया गया, और भैया की तो बात करिए मत, किसी परचे की मोहताज नहीं है। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतना टाइम दिया अपना मूल्यवान, और चाचा जी ने भी अपना टाइम दिया। तो आप लोग अगर कहीं दूर जाने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार कम से कम सेवा का अवसर चाचा को भी दीजिए और यहाँ आइए, यहाँ का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।